वेलकम टू द टेल विद रिचा। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह लेके जा रही हूँ, जो कि है हिडन जेम राजस्थान का जवाई। ये अपने लेपर्ड सफारी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एंड यहाँ पे आपको जितने भी स्टेज मिलेंगे ना, ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच होंगे एंड बहुत ही अच्छे हैं सारे के सारे। इनका पूरा पैकेज होता है। तो मैंने जवाई में क्या क्या किया था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैंने कहाँ पे स्टे किया था सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। तो बहुत ही अच्छी जगह थी। मैं अहमदाबाद से जा रही हूँ, ये कुछ अहमदाबाद से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर था। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड्स बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट राजस्थान बॉर्डर शुरू हो गया था। इस तरीके का पूरा लैंडस्केप दिखेंगे, चारों तरफ फील्ड्स दिखेंगे, फार्म्स दिखेंगे, रोड्स अच्छी थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जाने में। एंड जब पहुंचने वाले थे तब हमने अपने रिजॉर्ट वाले भैया को फोन कर दिया था, सफारी वाले भैया को, क्योंकि ये जगह थोड़ी बहुत ही, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे सारे के सारे स्टेज फॉरेस्ट के अंदर ही जाते हैं, तो आपको एकदम से मिलते नहीं है, तो लेने आ गए थे हमें। एंड अब इस तरीके से पूरा अंदर की तरफ से जाएगा। एंड वो जहाँ मैं रुकी थी, इस जगह का नाम था जवाई पगमाक लेपर्ड सफारी। बहुत ही अच्छी जगह थी, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत ही मजा आएगा आपको यहाँ पे देख के। ये जो जगह थी ना, बहुत ही पास थी जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है, तो बहुत ही प्लस पॉइंट था। यहाँ पे इस तरीके से आपको चट्टाने दिखेगी। अब तो सफारी आप जो देखते थे वो बिल्कुल फॉरेस्ट में जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। मुझे यहाँ पे जाके बहुत मजा आया कि यूनिक टाइप की सफारी लगी मुझे। जो स्टेज होते हैं उनके अंदर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड सफारी सब कुछ इंक्लूड होता है हाई टी के साथ। तो बस अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले, हमारा रिजॉर्ट आने वाला है। वहाँ पे जाते से ही सबसे पहले हमें ये लोग देंगे वेलकम ड्रिंक। वेलकम ड्रिंक पीने के बाद अपने रूम की तरफ जाएंगे। इस तरीके से टेंट्स बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आसपास बस चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, यानी बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में था। बिकॉज रात को ना आवाजें भी आ रही थी, और उन लोगों ने हमें बोला भी था थोड़ा अंदर ही रहेगा क्योंकि रात को सब एनिमल्स बाहर आ जाते हैं। तो मैं आपको अंदर अपने रूम का टूर करवाती हूँ। देखिए, बाहर बैठने के लिए सिर्फ चेयर्स थी एंड रूम भी बहुत अच्छा स्पेशियस था कि अगर आप फैमिली ऑफ फोर आ रहे हैं तो आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स्ट्रा बेड लगा दिया था इन्होंने, देखिए यहाँ पे भी अंदर बैठने के लिए चेयर्स होते। सब कंजेस्टेड रूम नहीं, बहुत ही अच्छा रूम था। बाथरूम भी बड़ा अच्छा था, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। चेक इन टाइम कुछ 1 बजे का था। चेक इन करने के बाद फिर हम लोग अब लंच के लिए गए थे। लंच ऑथेंटिक राजस्थानी खाना था एंड यकीन मानिए बहुत ही मजा आ गया था। गट्टे की सब्जी, चूरमा, दाल बाटी, बहुत ही यम खाना था। लंच करने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं अब सफारी के लिए निकल पड़ी हूँ। कुछ 5 से 5:30 बजे के बीच में होती है हाइटी के बाद। अब सफारी करके मैं लौट रही हूँ। सफारी में मैंने क्या क्या किया था ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बट इसके पहले मैं आपको फिर से लेके जाती हूँ कि वहाँ पे मैंने डिनर में क्या क्या किया था। तो डिनर में भी बहुत अच्छा खाना था। खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं खाने में। एंड आप कुछ बोलेंगे तो वो चीज़ें बना देते हैं, तो बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी। सुबह जब मैं उठी तो आप आसपास का व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है देख के। चारों तरफ शांति थी, मैं थोड़ी देर बैठी थी यहाँ पे क्योंकि चेकआउट 11 बजे था एंड ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ देख लिया था, तो बस मुझे निकलना था। तो बस सब कुछ मजे करके, ब्रेकफास्ट करके मैं यहाँ से निकलूंगी। एंड आप जानना चाहते हैं सफारी मैंने क्या क्या था, सब्सक्राइब टू माय चैनल।